नवी मुंबई नेटवर्क। निरुल बॉम्बेज रेजिडेंसी में काम करने वाले एक सुरक्षा रक्षक के साथ उसी इमारत के एक फ्लैट ओनर के बीच हाथापाई करने का मामला सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। बिल्डिंग के सुरक्षा रक्षक ने अपनी आपबीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में निरुल पुलिस थाने में एनसी दाखिल हो चुकी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैं पामबीरी रेसिडेंसी में काम करता हूँ, सेक्टर 4 निरुल वेस्ट। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करता हूँ। मैं डेली की तरह अपना काम कर रहा था, तो टाइम पे मतलब 9:20 हो रहा था। मैं अपना काम कर रहा था कि देखो उधर से ओनर रैंप से ऊपर गाड़ी लेके आ रहे, जहाँ से एग्जिट गाड़ी नीचे आती है। तो मैं ओनर को बोला, सर इधर से अलाउ नहीं, सर आप डेली आते हो, जिधर से गाड़ी ऊपर लेके आते हो तो ये सर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट उन्होंने सुना नहीं मेरा बात, तो मैंने बोला आपका मैं कंप्लेंट करता हूँ। तो मैं अपना निकल गया, तो गाड़ी आगे लेके आके मुझे मारना उन्होंने चालू किया सर। मुझे सर सर पकड़ के मारा, मेरा गला भी पकड़ा सर उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।